मंगलम सिटी परिवार में भागवत कथा का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। मंगलम महादेव मंदिर डी ब्लॉक से महिलाओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा प्रारंभ होकर शिव शक्ति हनुमान मंदिर एच ब्लॉक मंदिर प्रांगण में पहुंची, जहां 23 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन रहेगा। सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कथावाचक मनोज आनंद महाराज विरक्त कुटी आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन राधे रानी सेवा संस्थान गोवर्धन के मुख से श्रवण करवाई जाएगी। यह आयोजन समस्त मंगलम सिटी परिवार जन के द्वारा आयोजित किया गया है। 151 कलश के साथ सैकड़ों महिलाओं ने आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि श्रीमती बसंती देवी, पार्षद पंचायत समिति झोटवाड़ा देवी राधा किशोरी और ओम प्रकाश खोकर, समाजसेवी हाथोज आर एल गुप्ता, रंजीत सिंह राठौर, दिलीप सिंह, फौजदार पवन सिरोलिया, पिंटू बन्ना, दुष्यंत सिंह, लोकेश योगी, लक्की बड़बड़वाल, लालचंद छापुला, ठेकेदार मुकेश शर्मा, राजेंद्र सिंह खंगारोत, मुकुट सिंह, आनंद शर्मा, रोहित चौधरी, मोहन प्रजापति, कैलाश दरोया, अम्बेदीप सिंह, मनीष फूलचंद दादरवाल, एडवोकेट राजेंद्र मोदी आदि समाज सेवियों के द्वारा यात्रा में भाग लेने वाली महिलाओं पर पुष्प वर्षा करके कलश यात्रा का आरंभ किया गया। जयपुर में शिव मंदिर पार्क में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज कलश यात्रा निकाली गई और बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग सैकड़ों महिलाओं ने जो है कलश लेकर के शिव ब्लॉक मंदिर से शिव पार्क मंदिर एच ब्लॉक में उपस्थित हुई और बड़ा ही सराहनीय कार्य हुआ मंगलम सिटी जयपुर कलवा रोड में। आपका सुनना उमा सक्सेना, आज का ये प्रोग्राम चल रहा है ये किस संदर्भ में? ये महिलाओं के और पूरे मंगलम सिटी के आयोजन से हुआ है और इसमें सभी लोग हमारे साथ हैं, जेंट्स, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी अपने साथ हैं। सभी के सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। इसमें फूलों की वर्षा, नंद उत्सव आदि और अन्य प्रोग्राम्स हैं जो तथास्तु से होंगे, एक एक दिन एक एक अन्य उसमें है। ये किस जगह पे किया जा रहा है? ये मंगलम सिटी एच ब्लॉक कृष्ण सरोवर में हो रहा है। डी ब्लॉक से कलश यात्रा उठ रही है और एच ब्लॉक में इसका प्रारंभ हो रहा है भागवत गीता का सप्ताह की ये आयोजन है। पहले तो कहना चाहेंगे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। और ये बताना चाहेंगे कि पहले तो महिलाओं के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, फिर उसके बाद भागवत की गई है जो 7 दिन तक भागवत चलेगी। और इस भागवत गीता में सबका स्वागत है और सबको बुलाना चाहेंगे, वो तो कृष्ण जी करने वाले हैं, बाकी हमारी ये बसंती देवी जी है और हमारी सब महिला टीम जो है हमारे साथ, हम सब मिलकर ये सब आयोजन कर रहे हैं। और क्या इसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे भगवत कथा के अंदर, वो भी बताइए। मंगलम सिटी वासियों के लिए क्या मैसेज है आपका, वो बता दीजिए। मंगलम सिटी वासियों के लिए बस यही मैसेज है कि सब इसमें शामिल हों और प्रेम से, प्यार से सब अपने साथ रहें और ये हमेशा कोई ना कोई योजना अपन चलाते रहें, करते रहें और इसके साथ ही अपन सब मिलजुल कर रहें। पूजा झा। मंगलम सिटी समस्त परिवार के द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भाई हैं, योगी जी भी हैं, हमारे आरएल गुप्ता जी भी हैं, दुष्यंत जी भी हैं, राम सिंह जी भी हैं, मुकेश जी हैं, सभी मुख्य भूमिका में काफ़ी भाई हैं, कुछ भाई यहाँ उपस्थित नहीं हैं काफ़ी, और हमारे जनप्रतिनिधि हैं ओम जी, आप भी आए। मंगलम सिटी समस्त परिवार के द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भाई हैं, योगी जी भी हैं, हमारे आरएल गुप्ता जी भी हैं, दुष्यंत जी भी हैं, राम सिंह जी भी हैं, मुकेश जी हैं, सभी मुख्य भूमिका में काफ़ी भाई हैं, कुछ भाई यहाँ उपस्थित नहीं हैं काफ़ी, और हमारे जनप्रतिनिधि हैं ओम जी, आप भी आए। इसके बारे में कब तक रहेगी, क्या कैसे चलेगा? आज ये मंगलम के अंदर जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ये हमारे यहाँ 16 तारीख से लेके और 22 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंदर मंगलम के सभी निवासियों ने अपना पूर्ण सहयोग किया है और माता शक्ति इसके अंदर प्रमुख रूप से शामिल है। और इसमें कब तक ये रहेगा, क्या क्या इसमें शामिल है? इसमें भागवत कथा है, कलश का आयोजन है, प्रसादी वितरण है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, सभी भागवत के कार्यक्रम है जो अलग अलग दिनांक के हिसाब से मनाए जाएंगे। क्या शेड्यूल रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, आयोजन हो रहा है, रूट मैप क्या रहेगा इसका? इसका रोड मैप रहेगा सर, मंगलम महादेव मंदिर डी ब्लॉक से ये कलश यात्रा प्रारंभ होगी और ये मंगलम सिटी का जो मेन सर्किल है, मेन सर्किल से होते हुए
और ई ब्लॉक का शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर से ये गोविंद सरोवर होते हुए एच ब्लॉक के शिव शक्ति मंदिर में ये यात्रा जाएगी, कलश यात्रा, और वहाँ भागवत कथा का आयोजन है। वो दोपहर 2 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक का कार्यक्रम है। इसमें जो भी है हमारे जो बाहर से वृंदावन से संत श्री पधारे हुए हैं उनके द्वारा यह भागवत कथा होगी। सर, भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है मंगलम सिटी के अंदर, तो आमजन के लिए क्या मैसेज आपका कि किस तरीके से उनको लाभ उठाना चाहिए? लाभ ये है कि अभी इस समय जो है एक ये मान के चलिए आपके बहुत महिलाएं हैं जो धर्म के प्रति काफ़ी जुड़ाव है इनका, और ये देखते भाई मलमास का महीना है तो एक अच्छा सा एक कार्यक्रम भागवत गीता का जो है, भागवत इसका पुराण का जो है एक आयोजन हो जाए, इसमें सभी मंगलम परिवार के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है।